हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि इस वीडियो में आपको हिंदी सॉल्व कराई जाएगी। अलग अलग टीचर के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट सॉल्व कराया जाता है। आप जैसा जानते हैं कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है और बहुत ही कम टाइम में आपका एग्जाम होगा और बहुत ही जल्दी आपकी ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस इसमें किया जाएगा। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है आपको, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं। आप खुद से भी करिए और आपके चैनल पे ही लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। इनको जरा देखिए और पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में। सभी सेट मतलब क्वेश्चन जितने भी हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लिए गए हैं और मतलब कि कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखिएगा कौन कौन से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसमें हैं। ठीक है, तो हम लोग हिंदी सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब है पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुजन। देखिए बहुजन से आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बिल्ली शब्द का बहुजन क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी, बिल्ली या फिर बिल्लियाँ रहेगा। ठीक है, बिल्ले और बिल्ला, तो ध्यान रखना आपको है जो पहला ऑप्शन है बिल्ली, तो बिल्लियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए इकारान जो होता है बेटा, ठीक है, इकारान जो बोलते हैं हम लोग इकारांत। ठीक है, जिसके लास्ट में ई आता है, जैसे कि बिल्ली है, लड़की है, नारी है, इस टाइप के जब भी आपको वर्ड देखने को मिले तो क्या करना आपको, जैसे लड़की लिखा हुआ है, ठीक है, लड़की, ठीक है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लड़कियाँ हो जाएगा। तो जब भी ई होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ऐसे बेटा क्या होता है अकारांत में होता है, जैसे लड़का होता है, लड़का, ठीक है, तो लड़का क्या क्या होता है, लड़के हो जाता है, लड़की हो जाता है। ठीक है, जैसे माता है, ठीक है, क्या है बेटा, माता, माता में आ आ रहा है तो आ क्या क्या होता है, माताएं। ठीक है, क्या हो जाएगा, माताएं, तो ये वाला ए लगता है। लेकिन अगर ई अकारांत मतलब लास्ट वर्ड, लास्ट में जो स्वर आ रहा है वो ई आ रहा है, तो आपको क्या करना होगा, या लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है, बिल्ली लिखा हुआ तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, बिल्लियाँ। अब कोई भी वर्ड आएगा ई अकारांत वाला तो आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो सबसे देखो विशेषण आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आपको पहले इसमें संज्ञा ढूंढनी है, तो जो फूल है बेटा ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, पीले, तो ये पीले क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पीले ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, पीले आपका हो जाएगा ये विशेषण, क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी बताइए। ये भुजंग क्या होता है, भुजंग आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, नाग को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, नाग। और देख लीजिए किस ऑप्शन में नाग दिया हुआ है, तो पहले ही ऑप्शन दिया हुआ है सर्प एवं नाग। ठीक है, तो भुजंग का जो समानार्थी हो जाएगा, ये समानार्थी से आपके एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और पुलिस एग्जाम में आपके यूपी पुलिस एग्जाम में क्या होता है, आपको हर एक चैप्टर से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलते मिलते हैं, हर एक चैप्टर को ये लोग टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। ठीक है, तो इस पंक्ति में अलंकार, देखिए अलंकार से भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, प्रतीक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार और संदेह अलंकार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि उपमा अलंकार होता है, ठीक है, उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है, इसमें क्या होता है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना चंद्र सा मुख है, मतलब चंद्र सा मुख है, मुख है, तो ये बेटा उपमेय हो जाता है मुख, और जिससे हम लोग तुलना करते हैं वो क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। लेकिन इस जो लाइन में है वो उसमें पूछा है कौन सा अलंकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतीप। और प्रतीप क्या होता है, ये हो जाता है उपमा का उल्टा, उपमा का जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ चंद्र सा मुख है, और प्रतीप में क्या हो जाता है, मुख सा चंद्र है, क्या हो जाएगा, मुख सा चंद्र है। तो ध्यान रखना है जो प्रतीप अलंकार होगा उसमें उपमा का उल्टा रहता है, और उपमेय जो होता है वो उपमान बन जाता है, और जो उपमान होता है वो उपमेय बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आलोचना करना अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है। जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना, टीका टिप्पणी करना। तो आलोचना करना का मतलब ये हो गया क्या, टीका टिप्पणी करना, ध्यान रखिएगा इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, क्या हो जाएगा इसमें, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। ठीक है,
तो देखिए से जहाँ पे आता है तो आप जानते होंगे करण से होता है, करण से होता है, नहीं करण से के द्वारा भी होता है, ठीक है, के द्वारा भी होता है। और इसमें बेटा ध्यान रखना अपादान एक होता है, अपादान, अपादान में भी क्या आता है बेटा से आता है, ठीक है, अपादान में भी से आता है, लेकिन यहाँ पे अलग होने के अर्थ में होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड़ से फल गिरा, क्या गिरा, पेड़ से फल गिरा, मतलब फल जो हो रहा है वो पेड़ से अलग हो रहा है। जब भी अलग होने की बात कही जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, ठीक है, तो गंगा क्या हो रही है, हिमालय से अलग हो रही है, हिमालय से, तो यहाँ पे जो से वर्ड था गंगा हिमालय से निकलती है वो वहां भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन कोई कहे राम कार से लखनऊ जाता है, तो कार से जाता है ना, तो वहां पे से जो होगा वो हो जाएगा आपका बेटा करण हो जाएगा, क्योंकि कार के द्वारा आप ला के देख लीजिए के द्वारा क्या आप संतुष्ट हो पा रहा है, हाँ हो पा रहा है, तो वहां पे आप लगाएंगे क्या करण, इसमें राम लखनऊ कार से जाता है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग मूलावस्था है उत्तमावस्था क्या होगी इसकी, तो अगर योग जो है मूलावस्था, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं क्या पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, वैसे ही हिंदी में होता है मूलावस्था उत्तरावस्था उत्तमावस्था, ठीक है, ये तीन होती हैं, और इसमें आपकी जैसे नहीं पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपर, तो ये सुपरलेटिव पूछी गई है, तो योग का क्या हो जाएगा, योग योग्यतर योग्यतम सर्वोत्तम, तो ध्यान रखना है योग का हो जाएगा योग्यतम, ठीक है, योग्यतम। और इसका अगर पूछा जाए उत्तरावस्था क्या होती तो वो योग्यतर हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक में सूत और शुद्ध शब्द का युग्म सही है, तो इसका तो आप पर्यायवाची पढ़ते ही होंगे बेटा, क्या पुत्र का बेटा का, ठीक है, तनय का, तो ये जो होगा बेटा पुत्र का हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर देख लीजिए किसमें पुत्र लिखा हुआ है, पुत्र धागा घोड़ा सुई, तो ये जो है सिर्फ इसी में आपका ऑप्शन एक में ही पुत्र दिया हुआ है, और सारथी क्या होता है, सारथी बेटा धागा होता है, सूत क्या होता है, सूत को बोलते हैं धागा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का विलोम बताइए, ठीक है, महान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तुच्छ छोटा क्षुद्र या अमहान, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको है जो महान है ना, महान का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा तुच्छ, ठीक है, एक महान व्यक्ति है और एक तुच्छ व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारिद्र्य, ठीक है, दारिद्र्य का विलोम क्या हो जाएगा, यश संपत्ति वैभव कौशल, तो दारिद्र मतलब होता है जिसे विपन्न, ठीक है, विपन्न का होता संपन्न, ठीक है, संपन्न, तो जो इसका संपन्न हो जाएगा तो दरिद्र का जो विलोम हो जाएगा बेटा हो जाएगा वैभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब है वाक्य शुद्ध, ठीक है, देखो वाक्य शुद्ध से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही, बच्चों से गुस्सा मत करो, ठीक है, बच्चों से गुस्सा मत करो, तो चार ऑप्शन देंगे कौन सा सही इसमें है, बच्चों को गुस्सा मत करो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बच्चों पर गुस्सा मत करो सही होने चांस है, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर नहीं आएगा, बच्चों का गुस्सा मत दे तो बिल्कुल गलत है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, मैं हूँ, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ, सेंटेंस बिल्कुल गलत है, इसका सही क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक मैं हूँ, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं यहाँ कुशलता पूर्व कुशलता मैं हूँ गलत है, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, ये बिल्कुल आपका फोर्थ ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए बाकी शुद्ध बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी पूछे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए के शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्याय चिन्ह नहीं है, ठीक है, निर्झरणी तरंगणी सरिता और तरणी, ठीक है, तो ध्यान रखना है नदी का पर्याय चिन्ह नहीं है, इन वर्ड पे भी बहुत ध्यान देना, बच्चे क्या करते हैं एकदम देखा सरिता, हाँ तुरंत टिक मार दिया, अरे सरिता तो नदी का है, ठीक है, निर्झरी कभी जल्दी सुना नहीं होता है, बहुत ही मतलब ये वर्ड कम यूज किया जाता है, ठीक है, तरंगड़ी भी हाँ चलो ये बहुत ही रिपीटेड वर्ड है, जो तरणी होता है, ठीक है, तरणी बेटा नाव का होता है, किसका होता है नाव का, इसमें पूछा गया कौन सा नदी का नहीं है, तो यही सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा से बातें करना, मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा, हवा से बातें करना, बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में बातें करना, या बहुत तेज दौड़ना, तो हवा से बातें करने का मतलब होता है बहुत ही तेज दौड़ना, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पहचानी है, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, मुझको प्रथम पुरस्कार मिला, तुझे प्रथम पुरस्कार मिला, तो ये मेरे को ये ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज होती है, ठीक है, हिंदी में, तो आपको ध्यान रखना है ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, मेरे को नहीं मुझे प्रथम पुरस्कार मिला, तो अशुद्ध पहचाना तो यही अशुद्ध है, बाकी सब सही है आपके हैं, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला सही है, मुझको मिला ये भी सही है, और तुझे मिला ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में आगत या विदेशी शब्द कौन सा है, सरकार, चंद्र, छिद्र या ग्रंथि। तो जो विदेशी शब्द जाएगा वो जाएगा बेटा सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण रूप पहचानी है, देहात का क्या हो जाएगा, देहात, देहाती, दोहाती या दोहात। तो देहात का जो विशेषण हो जाएगा वो देहाती हो जाएगा। ठीक है, जिसका विशेषण बनेगा, ठीक है, देहाती व्यक्ति, तो व्यक्ति से पहले एक वर्ड लगाया हमने, ठीक, वो क्या किसकी तुलना, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है बेटा, है तो देहाती बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है, क्वेश्चन क्या बेटा, वो पूरा पैसेज आपका एक अनुच्छेद दिया हुआ है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ते, पैसेज को पढ़ लेते हैं। विधाता रचित इस सृष्टि का सिमसोर सिरमोर है मनुष्य। ठीक है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमोर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यह पिंड या तत् ब्रह्मांड की कल्पना की थी। ठीक है, जो दार्शनिक थे उन्होंने किसकी कल्पना की थी, यह पिंड तत् ब्रह्मांड। ठीक है, उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत अर्थार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृत रूप ही सृष्टि तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य आकर्षक और लावण्य में रूप सृष्टि में अनियंत्र कहाँ है, अद्भुत एवं अद्वितीय। जो मानव का शरीर है क्या है, अद्भुत और अद्वितीय है। मानव सौंदर्य साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तों का विधान किया है, और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यातित करने के लिए उनके काव्य सृष्टियों रच डाली हैं। ठीक है, साहित्य शास्त्रियों ने, ठीक है, इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उम्मीद किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आने पर आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर में पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे ऐसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से गतिशील बप यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंड हो वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र की पुर्जे को बदलकर उसके हिसाब पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्वत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर 90 निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अधिक विषय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यात है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ब्लड सभी व्यक्ति का ब्लड सभी में नहीं चला जाता, वही यहाँ पे बात की गई है कि रोगी को रक्त देने जैसे मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं करता। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को है। और आगे है, रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त व परीक्षण अत्यावश्यक है। जैसे हम लोग कभी ब्लड चलाते हैं तो उसका परीक्षण किया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण से पहले पूर्व ऊतक परीक्षण भी अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्रायः सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, लगभग मस्तिष्क को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी अंगों का प्रत्यारोपण, मतलब उसको हम लोग बदलवा सकते हैं। जैसे किडनी आपकी खराब है तो किडनी का ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उपयुक्त अनुच्छेद का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, अंग प्रत्यारोपण, मानव शरीर एक यंत्र, मानव शरीर और चल चिकित्सा या सृष्टि का सिमसोर सिरमोर मानव। ठीक है, तो इसका जो जगह मानव शरीर है। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा पार्ट्स खराब है। ठीक है, पूरी बात जो है पूरे अनुच्छेद में मानव शरीर के बारे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक परीक्षण से शल्य चिकित्सा का अभिप्रेत है। तो ऊतक परीक्षण से उसका कहना है कि ब्लड, जैसे नहीं हम लोग ब्लड जब चढ़वाते हैं तो उसको चेक किया जाता है, तो वैसे ही रक्तचाप जैसे परीक्षण होता है उसी प्रकार से ऊतक परीक्षण भी होना चाहिए। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय
तो निरा में आपको पता होना चाहिए स्वस्थ से संबंधित होता है, ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, ये साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावना को विचार करते हुए अनेक लक्ष्यों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल लेंस से उपमित किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, वो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में, ठीक है। इसमें हो जाएगा साहित्य शास्त्री में। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य है अनवरत संपूर्ण साधना, निरंतर ऊतक परीक्षण, दायित्व या आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में शल्य चिकित्सकों की सफलता का रहस्य क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अनवरत संपूर्ण साधना, निरंतर, इसका बेटा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा अनवरत संपूर्ण साधना, ठीक है। इसका ये ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। सखा, सखा बोलते हैं बेटा मित्र को, ठीक है। किसको बोलते हैं, मित्र को बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मित्र। गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, तो गौ से इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो हो जाएगा गौओं से, किससे हो जाएगा गौओं से, गायों से मत करना ये गलत हो जाएगा, गौओं से तो बिल्कुल गलत है, गौ से ये तो सेम उतार दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत फिल द ब्लैंक्स की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ फिल द ब्लैंक्स की जरूरत होती है। तो जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद, ईंट, कारीगर, जड़, टोटल ना कि कारीगर की जरूरत होती है, ना ईंट की ना जड़ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियाद की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है, ठीक है। तो 63 का जो है बेटा वो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर देखते हैं, 9-2-11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए में कौन सा विकल्प दर्शाता है, गायब कर देना, भाग जाना, 9-2-9 और 2 गिनना, या बहुत सीमित इकट्ठे होना। 9-2-11 होना मतलब तुरंत भाग देना, वहां से गायब, 9-2-11 होना, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्ध अर्थ मतलब विलोम पूछा गया है, ठीक है। अपकर्ष का विलोम क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखिए उपसर्ग से क्वेश्चन आया है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किस के साथ प्रयुक्त हो सकता है, राम, रण, मान या जय। तो जो अप उपसर्ग है वो मान हो जाएगा, ठीक है। अप उपसर्ग मान लग जाएगा तो अपमान हो जाएगा, ठीक है, अपमान। तो सी ऑप्शन टिक कर लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी ने रचना कौन सी की है, कवित्र रत्नाकर, साहित्य लेली, विनय पत्रिका या फिर काशी। तो इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी ने कर रखी है, तो ध्यान रखिएगा विनय पत्रिका जो है, ठीक है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना इसमें से है, ठीक है। कवितावली, दोहावली भी इन्हीं की रचना है, कवितावली, दोहावली भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी ना फारसी लाल जी की क्या हो जाएगी, हुलासी, आलसी, बनारसी या मसालची। तो ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी ना फारसी लाला जी की, लाल जी की बनारसी, ठीक है। ये कहावत कही जाती है, लोकोक्ति एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है, ठीक है, मालती जोशी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर विद्या निवास मिश्रा या महादेव वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित जो है वो है महादेव वर्मा जी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण सभी मिले हुए हैं, ठीक है। इन्हें पद्म विभूषण 1988 में मिला था महादेव वर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, तो विदुर उसे कहते हैं जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई उसे बोलते हैं विदुर, और विधवा किसे बोलते हैं जिसका पति मर गया हो। तो विदुर का जो स्त्रीलिंग हो जाएगा वो हो जाएगा विधवा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अति मलिन ब्रस भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गत हारे तखि जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुमिलानो ज्यों नलिनी हिस्कर की मारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, हास्य हो जाएगा, करुण हो जाएगा, वीर प्रलम्ब हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है वीर प्रलम्ब जो श्रृंगार है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, आप जैसे काले रंग की तरफ अगर बढ़ रहे हैं तो उज्जवल कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे बेटा तो बिल्कुल आपका विरोधा बात बात कही जा रही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, उत्प्रेक्षा, विरोधा, उपमा, हेमक। तो ये जब विरोध कर रहे हैं आपस में
कंट्रास्ट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है, तो अलंकार से दो क्वेश्चन है आपके, एक प्रतीक अलंकार से, एक विरोधाभास अलंकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिला इसमें। जो रहित उत्तम प्रकृति का हर करी सकत कुशंग चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भजन। ठीक है, यह आपका एक बहुत ही फेमस दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग चंदन विश्व व्यापत नहीं, ठीक है, लिपटे रहत भजन। तो अर्ध सममात्रिक जो है ये आपका छंद है, चौपाई दोहा सोरठा सवैया, तो दोहा पर टिक कर लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पाई मात्रा के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं कि दोहा में क्या होता है, 13-11 मात्राएं होती हैं। जैसे आप गिन सकते हैं, 2, 1, 3, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 11, 11 और 12, इसको डबल बनाएंगे और इसको एक बनाएंगे, तो 13 मात्राएं होंगे, तो शुरुआत में 13, इस वाले में 11 होंगे बेटा आपकी। ठीक है, इसे 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7, 7, 1, 8, 8, 9, 10, इसमें क्योंकि बिंदी लगी तो 2 हो जाएंगी, 10 हो गई और ये 11, तो 13-11 का कॉम्बिनेशन जहाँ भी होता है वहाँ बनता है बेटा क्या, दोहा छंद वहाँ पे होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है, संस्कृत में, प्राकृत में, मैथिली में, ठीक है, हिंदी में। तो जो नागार्जुन थे वो मैथिली, हिंदी और बांग्ली, बांग्ला भाषा में अपनी रचना करते थे, तो जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो मैथिली भाषा में मिला था इन्हें। ठीक है, मैथिली भाषा में रचना की थी इन्होंने, उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौहर के लेखक कौन है, जौहर सुमित्रानंदन पंत्र, ठीक है, तो पद्मावती ने जौहर किया था, तो उसी पे एक कविता, एक मतलब लिखी गई है पूरी कहानी। जौहर के लेखक कौन है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी, सिमंगल सिंह सुमन, श्याम नारायण पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों आपके यहाँ पे सभी हिंदी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे, कुछ आप बहुत रिपीटेड देखने को मिलेंगे। ठीक है, कई बार मतलब एग्जाम में वही रिपीट करते हैं, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, कई सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो यूपी पुलिस की खासियत है कि हर एक चैप्टर से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आज आपको बोली से क्वेश्चन नहीं मिला, पत्र से क्वेश्चन नहीं मिला, तो आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और देखिए आपका गद्यांश एक आएगा ही आएगा, ठीक है, एक गद्यांश तो ये लोग पूछेंगे ही पूछेंगे, तो गद्यांश की प्रैक्टिस करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिए। आज के लिए बेटा इतना ही, धन्यवाद।